सीएमसी आईटी प्रोग्राम के इस समय की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन और साथ ही जानेंगे एचटीएमएल का इम्पोर्टेंस। ये बहुत बेसिक वीडियो होगी। अगर आप एचटीएमएल में कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक से ही अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। एचटीएमएल में वेब पेज बनाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होना चाहिए। वो है, एक है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो सभी कंप्यूटर में होते हैं, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है क्योंकि जिस कंप्यूटर में विंडोज होते हैं उसमें आपको टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आवश्यक होते हैं, इसलिए हमें वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा होते हैं वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, नेटस्केप नेविगेटर होते हैं और गूगल क्रोम होते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ करके आप वेब पेज प्रोग्राम बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नोटपैड ओपन करना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि जब भी आप वेब पेज बनाएंगे तो इसमें आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए और दूसरा आपको ब्राउजर चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम नोटपैड ओपन करते हैं। जस्ट क्या करें, यहाँ पर NOTPAD नोटपैड, जब भी आप टाइप करेंगे तो आपको नोटपैड क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको नोटपैड, ये आपको विंडोज़ का आपको प्रोग्राम है। जिस कंप्यूटर में विंडोज़ होते हैं, जिस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन होता रहता है उस कंप्यूटर में नोटपैड आपको ऑलरेडी होता है, इसलिए ये आपको सभी कंप्यूटर में होते हैं, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, इसमें एक फाइल है जिस फाइल में आपको जो HTML का इंट्रोडक्शन और इसका जो आपको इम्पोर्टेंस ऑलरेडी दिया गया है। तो चलिए HTML क्या है, HTML का फुल फॉर्म होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक आपको वेब पेज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम वेब पेज बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वेब पेज और वेबसाइट क्या है और दोनों के बीच अंतर क्या है। तो देखिए, वेब पेज क्या होते हैं, जो वेबसाइट का जितना सारा पेज होते हैं उसे वेब पेज कहा जाता है। एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट का डिजाइन होता है जिसे हम वेब पेज कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, इच पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज, जो आपको HTML से डिजाइन किया जाता है। और वेबसाइट क्या होते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो आगे चलिए, ये इट इज़ द मेन मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। वेब पेज के लिए क्या है, ये मेन मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेज और वेबसाइट, खास करके इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको वेब पेज बनाना और वेबसाइट बनाना। इसके बाद नंबर फोर में क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ कोड्स दैट कैन बी एम्बेडेड इन टेक्स्ट टू एड फॉर्मेटिंग एंड लिंकिंग डॉक्यूमेंट। इसके सहारे से, HTML के सहारे से आप किसी भी टेक्स्ट को कोड सब यूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को दूसरा डॉक्यूमेंट से हम लिंकिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके सहारे से, HTML के सहारे से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी फाइल को आप HTML में सेव करेंगे और वेब पेज बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट को .html और .htm से आपको सेव करना होगा। अगर आप .html और .htm से सेव नहीं करेंगे तो आप वेब पेज नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि .html क्या है और .htm क्या है। तो देखिए, हर फाइल को दो नेम होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी नेम और दूसरे होते हैं सेकेंडरी नेम। तो जो सेकेंडरी नेम वो नेम होते हैं जो डॉट ऑपरेटर से सेपरेट होता है और किसी भी फाइल को लास्ट में डॉट ऑपरेटर के पीछे लगाया जाता है। जो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन नेम .html और .htm है। तो चलिए आगे चलते हैं। HTML का जो इम्पोर्टेंस, सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि HTML के सहारे से हम वेब पेज बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए, वेबसाइट का यूज क्या है, तो खास करके वेबसाइट में हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सब रख करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वेबसाइट आपको
बहुत तरह के होते हैं। कुछ वेबसाइट आपको कमर्शियल होते हैं, तो कुछ वेबसाइट आपको एजुकेशनल होते हैं, तो कुछ वेबसाइट आपको गवर्नमेंटल होते हैं। तो वेबसाइट में हम इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, और किसी भी आपको कोई भी चीज़ को आप इंफॉर्मेशन रख करके आप इसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे वेबसाइट कहा जाता है। तो आगे चले, इट इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड कैन बी यूज इन एनी प्लेटफॉर्म। ये जो आपको HTML जो है, HTML प्रोग्राम आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म हो। नंबर थ्री, इट इज अ सेट ऑफ कोड्स डैट कैन बी एम्बेडेड इन टेक्स्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को आपको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये जो है आपको सबसे बड़ा फीचर क्या है, तो HTML के सहारे से हम एक पेज को दूसरे पेज से हम लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है और हाइपर लिंक कहा जाता है। तो सबसे पहले HTML का यहाँ पर जो फुल फॉर्म दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हमें दो चीज़ सीखना होगा, हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं और मार्कअप क्या होते हैं। तो चलिए अब हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको गूगल क्रोम है, जो आपको ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके हम पेज को ओपन करते हैं। ये ब्राउजर आपको गूगल क्रोम जो है ब्राउजर, इसका पेज आपको ओपन होगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ टाइम ले रहा है, ये आपको ब्राउजर ओपन हो रहा है, ये आपको हो गया गूगल क्रोम का ब्राउजर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए सिर्फ हम सिंपल व्हाट इज HTML, ठीक है, जस्ट व्हाट इज HTML हम इंटर मार रहे हैं। ये जब भी आप इसे इंटर मारने के बाद आपको HTML का पेज ओपन होगा। ये देख रहे हैं आपको HTML का पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू HTML, HTML सोर्स। एक बात यहाँ ध्यान देना है हमें कि यहाँ दो तरह के टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट है जिसमें क्लिक करने के बाद आपको पेज ओपन होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, और दूसरा टेक्स्ट है जो आपको कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, जिसे नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसमें क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको फिंगर का जो इंडिकेशन शो कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जिसमें फिंगर्स इंडिकेशन कर रहा है। तो जितने सारे में फिंगर्स इंडिकेशन कर रहा है, जो ग्रीन से हाईलाइट है, उसे क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जिसमें क्लिक करके इसका फिर जो आपको रिलेटेड पेज है, आपको लिंकिंग पेज है, वो पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं जब भी क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू HTML ओपन होगा, यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन टू HTML आपको लिंकिंग पेज है। और दूसरा क्या होता है, ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें क्लिक करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें क्लिक करने से इसका एक पेज लिंकिंग हो रहा है, लिंक्ड पेज ओपन हो रहा है। तो ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं जिसका पेज, जिसमें क्लिक करने के बाद आपको जो पेज लिंकिंग पेज ओपन होगा, उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मार्कअप क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड में मार्कअप क्या है। तो मार्कअप क्या होते हैं, तो जितने सारे आप प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए आप सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, एक फाइल में जाकर के हम न्यू करते हैं, ठीक है। ये आप सिंपल बहुत सारे हम टैग यूज करते हैं जो क्यूबेसिक प्रोग्राम में, जिसे कमांड या स्टेटमेंट कहा जाता है। HTML है, टाइटल है, ठीक है, उसके बाद हेड है, ये सब क्या है आपको, ये आपको क्या है, टैग्स है। टैग्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं कंटेनर टैग, कुछ होते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। अब कुछ होते हैं ओपनिंग टैग, कुछ होते हैं क्लोजिंग टैग। तो बहुत सारे टैग्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, और टैग्स के जो अंदर में जो टेक्स्ट है उसे मार्कअप कहा जाता है। तो ये अगले वीडियो में वेब पेज का जो स्ट्रक्चर डिजाइन का जो वीडियो ट्यूटोरियल ओपन होगा, उसमें आप अच्छी तरह जानेंगे। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो ये जो मान लीजिए HTML ट्यूटोरियल है, इसमें आपको राइट क्लिक में जब इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे तो इसका क्या होगा, आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मार्कअप। इसे क्या कहते हैं, मार्कअप। इसमें बहुत सारे कुछ दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं हेड है, यहाँ पर देख रहे हैं हेड क्लोज है, बॉडी क्लास है, जो आपको HTML का कमांड्स और टैग्स कहा जाता है, जो आपको ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस में ग्रेटर देन और लेस देन में क्लोज होते हैं। तो जितने सारे टेक्स्ट है उसे मार्कअप कहा जाता है। तो ये है आपको मार्कअप, ठीक है। तो ये आपको हाइपर टेक्स्ट
और मार्कअप। तो ये दोनों के सहारे से हम HTML प्रोग्राम बना सकते हैं और वेब पेज डिजाइनिंग कर सकते हैं। और अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है और वेब पेज कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।